हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। बहुत लोग बहुत समय से मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर हैरियर पेट्रोल कब आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन मार्केट में क्रेटा, किया सेल्टॉस, एमजी हेक्टर, ये ऐसी तीन कंपनियां हैं जो ये सेगमेंट में पेट्रोल इंजिन्स ऑफर करती है, और उनके सेल्स फिगर्स बहुत ही बढ़िया साबित होकर सामने आए हैं। हैरियर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ डीजल इंजन के साथ में आता है और जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, बट वहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलता, जिस वजह से ये कहीं कहीं पीछे छूट जाती है। अगर हैरियर में पेट्रोल इंजन आ जाए तो क्या ही बात होगी। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और आपको मैं बताता हूँ सारी डिटेल्स अबाउट द हैरियर अपकमिंग पेट्रोल इंजन, जहाँ पे आपको सारा आइडिया मिल जाएगा क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या परफॉर्मेंस होगी, कौन से इंजन के साथ में आएगी, क्या गेयर बॉक्सेस आएंगे, सारी चीज़ आपको वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए एंड तक, और आपको मैं एंड में एक और एक इंटरेस्टिंग खबर दूंगा सो दैट आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। हैरियर एक ऐसी सेगमेंट में आती है जहाँ पे इसका दबदबा बहुत ही ज़्यादा है, और इसका जो रोड प्रेजेंस है ना दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दिखने में शानदार लुकिंग कार है ये, ओमेगा आर्किटेक्चर के प्लेटफॉर्म पे बेस है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सेफ प्लेटफॉर्म बन जाता है। सेफ्टी के मामले में, कंफर्ट के मामले में, फीचर्स के मामले में हैरियर बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट साबित होता है। 2020 में इसका एक फेसलिफ्ट आया था इन द मंथ ऑफ मार्च, पैंडेमिक के पहले इन लोग ने इसे लॉन्च कर दिया था, और अभी 1 साल हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने कोई पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ऐसे स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि आने वाले समय में वो ज़रूर करेंगे, बट अभी हाल ही में कुछ स्पाई पिक्चर्स हमें देखने को मिले हैं। बट ये ट्रू है क्या? क्या ये पेट्रोल इंजन के साथ में ही परफॉर्म किए जा रहे हैं? इसकी कोई भी एक ताज़ा डिटेल हमें तो नहीं मिली है, या फिर कंपनी ने कोई कंफर्मेशन नहीं बताया है। बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, जेनिवा मोटर शो में उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल इंजन लाने वाले हैं हैरियर में, और अभी जिस तरीके से पेट्रोल के डिमांड बढ़ते जा रहे हैं इन दिस सेगमेंट ओनली, पेट्रोल के तो भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, बट पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि बहुत लोगों की रनिंग उतनी होती ही नहीं है। बहुत लोग सिटी में ही चलाना पसंद करते हैं, या फिर उनकी डेली ड्राइविंग 50 किलोमीटर के नीचे ही होती है। सो वहाँ पे उनके लिए पेट्रोल एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होता है, इस वजह से, क्योंकि वो डीजल से थोड़ा सस्ता होता है। और अभी जैसे आपको पता है कि डीजल की गाड़ियाँ थोड़ी महंगी होती है कंपेयर टू पेट्रोल। सो अगर हैरियर पेट्रोल आएगी तो वो आपको 12.5 से 13 लाख के एक स्टार्टिंग प्राइस में आने वाली है। वहाँ पे उन एक 1.6 लीटर का इनहाउस पेट्रोल इंजन पे ही टाटा कंपनी अभी काम कर रही है। उन्होंने जेनेवा मोटर शो में कंफर्मेशन भी दी थी कि आने वाले समय में हम ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे, और अभी ऐसा लग रहा है कि ईयर एंड तक टाटा हैरियर में आपको एक पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाने वाला है। इसमें आपको 150 PS की पावर विद 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा, कंपेयर टू डीजल इंजन थोड़ा कम होने वाला है। बट इसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल एंड 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स जरूर देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको DCT देखने को मिल सकता है। जो डीजल इंजन में ह्यूंडई सोस गेयरबॉक्स मिलता है वो तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऐसा इंजन गेयरबॉक्स मिलेगा जो आपको अच्छी खासी माइलेज भी देने वाला है। विद दिस बिग SUV जो टाटा हैरियर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे इसके फीचर्स, इसके लुक्स सब बढ़िया लगते हैं। एंड अभी इसी के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने टाटा सफारी भी लेकर आया है, जो 7 सीटर वर्जन है ऑफ द टाटा हैरियर, जहाँ पे व्हील बेस लंबा करके उसमें 2 सीट्स और ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाह रहे थे कि हैरियर में एक पेट्रोल इंजन आए, तो बहुत ही जल्द मार्केट में हैरियर पेट्रोल इंजन के साथ में आएगी। आई थिंक अगर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर दिए जाए कंपेयर टू द मार्केट में जितने ऑलरेडी फीचर्स अवेलेबल है, तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। मुझे लगता है इंडियन कंडीशन के हिसाब से टाटा हैरियर में एक क्या बोलते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स दे देनी चाहिए, एंड वायरलेस चार्जिंग भी मिसिंग है। और ये जो ब्रांड मेकर्स है ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने गाड़ियों में, दैट इज सी टाइप चार्जिंग सॉकेट्स, क्योंकि आजकल के सारे फोन्स में सी टाइप चार्जिंग सॉकेट मैंडेटरी हो गए हैं। वो नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉकेट्स आजकल इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, उन्होंने लोगों को अलग से एक्सेसरी लगवाना पड़ जा रहा है। तो ये कुछ डेली फीचर्स है जो प्रैक्टिकल फीचर्स ऐड कर देने चाहिए आने वाले समय में। सो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, आपको बताता हूँ क्या क्या आने वाला है।
इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन जो इन हाउस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी पावर होगी 150 PS विद 270 to 260 Nm का टॉर्क इसमें देखने को मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स जो DCT होने वाला है, नॉट द ह्यूंडई सोर्स। एंड इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी लगभग 12.5 से 13 लाख के एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस के साथ में, और ये जाएगी लगभग 20 लाख के टॉप वेरिएंट एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका लॉन्च एट द ईयर एंड तक हो सकता है, या फिर दिवाली पे भी अगर हो सकता है अगर टाटा कंपनी जल्द ही लाना चाहे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में क्रेटा, सेल्टॉस एंड MG हेक्टर, ये 3 गाड़ियाँ जो पेट्रोल इंजन ऑफर कर रही है, बहुत ही बड़े पैमाने पर इनकी गाड़ियाँ बिकी जा रही है। तो हैरियर अगर पेट्रोल इंजन के साथ में आता है तो बट श्योर उनके सेल्स फिगर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोग शोरूम की तरफ आएंगे और आपकी गाड़ियाँ टेस्ट ज़रूर करेंगे। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के लिए, हैरियर मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है। आपको कैसा लगता है यह प्रोडक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जी हाँ, अभी इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, उसके पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं बनाता हूँ बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंटेंट एंड आपके लिए कार एंड बाइक्स पे हमेशा वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। आपको कोई भी डाउट होगा ना रिगार्डिंग बाइंग एनी बाइक और कार, मुझको आप पूछ सकते हो। आपके लिए मैं एक कंसल्टेंसी सर्विस चालू कर रहा हूँ जो एक पेड सर्विस होगा, तो वहाँ पे मैं आपसे बहुत ही मिनिमम चार्जेस चार्ज करने वाला हूँ, क्योंकि चैनल को चलाने के लिए थोड़ी बहुत, घर को चलाने के लिए बेसिकली थोड़े बहुत तो पैसे की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। सो अगर आपको कोई भी कार खरीदनी हो या फिर कुछ भी खरीदना हो, आपको कुछ मन में डाउट हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक छोड़ा हुआ है गूगल फॉर्म का, वहाँ पर जाके आप वहाँ पर अपने डिटेल्स भर सकते हो। मेरे पास जैसी आपकी इन्फॉर्मेशन आएंगी, मैं आने वाले समय में आपसे जल्द ही कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मेरा इंस्टाग्राम ID भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अभी ये जो कोविड के सिचुएशन चल रहे ना दोस्तों, बाहर कम जाइए, ज़रूरत होगी तो ही जाइए। हम भी बाहर जाके आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे इस समय, मैं जल्द ही आपके लिए शोरूम में आके जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जितने कुछ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है उसके ऊपर मैं टॉक वीडियोस घर पे बना के आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेली वीडियोस आपके लिए लेकर आने हैं और आपको हमेशा अप टू डेट रखना है, और आपकी हमेशा जो कुछ प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता रहूँगा। इसी के साथ मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। कार चलाते हो तो सीट बेल्ट पहनिए, बाइक चलाते हो तो हेलमेट पहनिए और मास्क भी ज़रूर पहनिए। बाय, टेक केयर।